मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग में कराची में तमाम GTS को बारिशों से पहले फिलफौर खाली करने का हुक्म चाइना कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हवा में उड़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कचरा उठाने का काम एक बार फिर रुक गया। मेवाशाह GTS से कचरा न उठ सका। चाइना कंपनी की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रिक्शा दिन 2 बजे कचरा समेत वर्कशॉप में पहुँच गयी। दर्जनों कचरे से भरे रिक्शे पार्किंग यार्ड में खड़े हुए। उस दौरान कराची में म्युनिसिपल वर्कर्स अलायंस के सदर मीर अकरम बलोच के MC वर्कशॉप पहुंचे। मीर अकरम बलोच को देखते ही रिक्शा ड्राइवरों की दौड़े लग गयी। गाड़ियां भगाकर यार्ड से बाहर चले गए। मीर अकरम बलोच ने चाइना कंपनी की गाड़ियों और वर्कशॉप का हंगामी दौरा किया। दौरान विजिट कई कचरे से भरी गाड़ियां यार्ड में पाई गयी। ऑटोज वर्कशॉप गटर मिला पानी से भरी हुई थी, जहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम नामुमकिन है। चाइना कंपनी की कई गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट हाउस की ऑटोज वर्कशॉप में पाई गयी। मोटरसाइकिल रिक्शों की एक तादाद खराबी के बायस यार्ड में खड़े थे, जिनके मरम्मत पर मामूर सिर्फ एक मैकेनिक मौजूद था। इस तरह MD साहब के अहकामात की धज्जियां बिखरी पड़ी थी। कॉन्ट्रैक्टर्स से मीटिंग का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका। कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। MD सॉलिड वेस्ट जुबैर अहमद चन्ना की कोशिशों पर भी पानी फेरा जा रहा है। सदर कराची म्युनिसिपल वर्कर्स अलायंस मीर अकरम बलोच ने MD सॉलिड वेस्ट से मुतालबा किया कि चाइना कंपनी और ठेकेदार कराची शहर का कचरा उठाने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। इनके ठेके मंसूख करके इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले अनासर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये KMC वर्कशॉप ऑटो का ये हाल है। यहाँ चाइना कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ रिपेयरिंग होती है। आप ये देखें, इसके अंदर 2-2 फुट तक पानी है, यहाँ रिपेयरिंग होती हैं। कराची म्युनिसिपल वर्कर अलायंस के सदर मीर अकरम बलोच इस वक्त विजिट कर रहे हैं और आप देखें, जो आपको आगे नज़र आए तो उस गाड़ी के अंदर कचरा भरा हुआ है। लोड गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसी तरह बाहर भी, दिन के अभी मेरे यहाँ 2:30 बजे, तो जब इतना पानी होगा उस पानी के अंदर गाड़ियाँ कैसे रिपेयर की जाएंगी। और कल वाजे अहकाम थे MD साहब के कि तमाम गाड़ियों को डबल किया जाए और इलाके से कचरा उठाया जाए, लेकिन डबल के बजाय गया जो चाइनी की अपनी धोती है वो भी इसके अंदर खड़ी हैं, वो भी रिपेयर नहीं है। इसी तरह बात चेंग की भी हम आपको बताएंगे। जी मेर साहब, वर्कशॉप की क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं? वर्कशॉप की सूरत हाल यही है जो कल DMD साहब ने सख्त अहकाम दिए थे GTS के हवाले से। अभी हम आ रहे हैं तो हमने देखा यहाँ वर्कशॉप के अंदर जो रिक्शे हैं उनमें भी कचरा भरा हुआ है, और आपने सामने भी देखा कंपेक्टर खड़ा हुआ है, इसमें भी कचरा है। तो ये हालत है वर्कशॉप की, तो यहाँ गाड़ियाँ कैसे मेंटेनेंस होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कचरे से भरी गाड़ियाँ, ये सारे रिक्शे वहाँ खड़ा है, तो GTS फुल लें और कचरा कुंडियाँ फुल लें। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब MD साहब की आंखों में भी कुछ लोग धूल झोंक रहे हैं और उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, संजीदा नहीं ले रहे हैं इनके अहकाम को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उनको इदारे को बचाना है तो काबिल अफसरान और अच्छे स्टाफ, और जब तक इन चक्करबाजों के बीच में दरमियान में रहेंगे MD साहब और दीगर अफसरान निचले, तो ये हालत होती रहेगी। ये सर्कल बना हुआ है, इसको घुमा रहे हैं, चाहे GTS हो चाहे फुल लैंड सराउंडिंग का एरिया हो, तमाम जगहों पे ये मनमाने लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये सारा कचरे का ढेर ये साउथ का एरिया बना हुआ है, और मतलब एक करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि MD साहब दोबारा इस पर काम करें, और अहकाम सख्त होने के बावजूद ये काम नहीं हो रहा। कचरे का कुंडी वर्कशॉप भी बना हुआ है, इलाके की कुंडियाँ भी बनी हुई हैं और GTS भी कचरे से भरा हुआ है।